इस खबर को पेश करता है अरफात हजुमरा टूर्स एंड ट्रैवल, पुरानी हवेली हैदराबाद। निजाम कैटरर्स, इवेंट ऑर्गेनाइजर, कैटरिंग की दुनिया का वो नाम जो हर घर की खुशियों का एक हिस्सा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद खलीलुज़्ज़मा आपका एमके न्यूज़ में खैर मकदम करता हूँ। आइए नाज़रीन नजर डालते हैं आज के कुछ खास खबरों पर। दोस्तों साथियों, मैं मोहम्मद रशीद आप तमाम का एमके टीवी चैनल में खैर मकदम करता हूँ। और आज डॉक्टर प्रियंका रेड्डी के इज्मत रेजी और कत्ल के मामले में जमीयतुल उलमाए हिंद के जिले वखराबाद के सदर मौलाना अब्दुल्ला अजहर काजमी साहब और अब्दुल रहमान अथर काजमी साहब के हमरा कई उलमाए दीन ने उनकी मजम्मती बयान देते हुए डॉक्टर प्रियंका रेड्डी के साथ जो बेदर्दाना कत्ल और उनकी इज्मत रेजी हुई उसमें मजम्मती बयान देते हुए हुकूमत से इल्तिजा की है कि इसके जालिमों के खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। आइए नजर डालते हैं खुसूसी रिपोर्ट पर। हमारे स्टेट तेलंगाना के शमशाबाद से शादनगर के इलाके में एक दर्दनाक वाकया पेश आया है कि प्रियंका रेड्डी नाम की एक मासूम खातून के साथ चार दरिंदा सिफत इंसानों ने एक काबिल मजम्मत काम किया है कि उस मासूम औरत की इस्मत दरी कर कर उसको पेट्रोल डाल कर जला दिया है। ये वाकयातन इंसानियत के लिए बड़ा शर्मनाक वाकया है जिसकी जमीयत उलमा ज़िले वक़ाराबाद के उलमा और हुफ्फाज और दीनी खुद्दाम के अलावा आवाम की तरफ से हम लोग पुरजोर मजम्मत करते हैं और हुकूमत तेलंगाना से पुरजोर इस बात का मुतालबा करते हैं कि इन वहशी सिफत इन चारों इंसानों को जितना मुमकिन हो सके सख्त से सख्त सजा दें और इस वाकये को जो लोग एक मजहबी रंग दे रहे हैं हम उसकी भी मजम्मत करते हैं। दरिंदगी करने वाला कोई भी मजहब से ताल्लुक रखता हो दरिंदगी दरिंदगी ही है, उसको किसी मजहब से जोड़ना ये परले दर्जे की फिरका परस्ती है। हम जमीयत उलमा की तरफ से इसकी भी मुखालफत करते हैं और फिर दोबारा पुरजोर मुतालबा करते हैं हमारी तेलंगाना हुकूमत से कि वो जो मुजरिम चारों के चारों जो पकड़े गए हैं उनके सख्त सख्त सजा दे ताकि आइंदा